तो गाइस, जैसा कि आप इस वीडियो पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपके लैपटॉप में भी अगर वाईफाई और मोबाइल हॉटस्पॉट का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो क्या किया जाए गाइस। सिर्फ पे एयरप्लेन मोड का ऑप्शन आ रहा है, तो आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे इसको फिक्स करते हैं, कैसे इस दोनों ऑप्शन को लाते हैं गाइस। ठीक है, तो हुआ क्या कि कुछ देर पहले गाइस मेरे लैपटॉप में भी कुछ ऐसा ही प्रॉब्लम आ रहा था कि सिर्फ एयरप्लेन मोड आ रहा था और वाईफाई और हॉटस्पॉट का आ ही नहीं रहा था। तो मैं कैसे इसको फिक्स किया आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम भगत आपका स्वागत करता हूँ भगत जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल पर। तो आइए शुरू करते हैं। तो गाइज यहाँ पे आपको क्या करना है, राइट क्लिक करना है और डिवाइस मैनेजर में जाना है। तो गाइज डिवाइस मैनेजर में जाने के लिए आपके पास बहुत सारा ऑप्शन है। और पहला नंबर गाइस कि आप यहां से ऐसे भी जा सकते हैं, दिस पीसी में जाना है और दिस पीसी में जाके यहां पे आपको मैनेज क्लिक करना है। मैनेज में जाने के बाद डिवाइस मैनेजर, तो गाइज उसके बाद आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे नेटवर्क एंड एडेप्टर्स होगा, तो आपको गाइज मेन ये है, ठीक है, ये एडेप्टर वाला, ये आपको क्या करना है, स्टार्टिंग से लेके सारा का सारा आपको अपडेट कर लेना है। अगर कोई भी अपडेट नहीं होगा तो प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, तो एक काम करता हूँ, पहले आप इसको अपडेट करके चेक कीजिएगा, ये को PCIe एडेप्टर यहाँ पर राइट क्लिक करना है। आपको अपडेट कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। अपडेट एंड ड्राइवर में जाना है और यहाँ पर ब्राउज माई कंप्यूटर फॉर डिवाइस सॉफ्टवेयर, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे लेट मी पिक, उसके बाद गाइज ये इसको ऐसे ही रहने देना है आपको, और उसके बाद नेक्स्ट करना है। इस तरीके से इंस्टॉलिंग ड्राइवर में ये थोड़ा समय लगेगा। ये हो गया, विंडो है सक्सेसफुल्ली अपडेट एंड योर ड्राइवर। और इस तरीके से गाइज आपको सबका सब अपडेट करना पड़ेगा एक एक करके। इसको कंट्रोलर को भी कर लीजिए और इसको यहाँ क्लिक करके नेक्स्ट कर दीजिएगा, और इस तरीके से ये अपडेट होता है गाइज। तो उसके बाद मैं आपको फटाफट अपडेट करके दिखाता हूँ। एक्चुअली गाइज मैं जस्ट अभी अपडेट किया था और इसी अपडेट के कारण मेरा फिक्स हुआ है। मैं क्या किया, स्टार्टिंग से मेरा जो ठीक हुआ था गाइज इसके कारण, इसको अपडेट करने का, और यहाँ से यहाँ तक पूरा अपडेट कर लीजिए, उसके बाद इसको अपडेट कर लीजिए, उसके बाद लैपटॉप को रीस्टार्ट कर लेना है। मैं आपको फिर से बोलता हूँ, सारा अपडेट करने के बाद आपको दिखना नहीं है, मतलब अगर आया तो ठीक है, नहीं आया तो ठीक है, लेकिन आपको उसके बाद लैपटॉप को रीस्टार्ट करना ही है, करने के बाद ही आपको आगे बढ़ना है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वर्क किया, तो गाइज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, क्योंकि मैं इस तरह का वीडियो लाता रहता हूँ।